केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की पड़ताल में देश के विभिन्न राज्यों में निर्मित 35 दवाएं सबस्टैंडर्ड पाई गई है। इनमें 2 दवाएं मिसब्रांडेड निकली है। हिमाचल के 7 दवा उद्योगों में निर्मित 6 दवाएं व एक पेन रिलीफ स्प्रे भी गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतर पाया है। पोंटो साहिब के उद्योग में निर्मित दवा मिसब्रांडेड पाई गई है। हिमाचल में निर्मित और सबस्टैंड निकली दवाओं का इस्तेमाल आमतौर पर अनिद्रा, एलर्जी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दर्द के उपचार में किया जाता है। राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण ने ड्रग अलर्ट आते ही तुरंत हरकत में आते हुए संबंधित दवा कंपनियों को नोटिस जारी कर बाजार से फेल हुए दवा उत्पादों का पूरा बैच हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। सनद रहे कि केंद्रीय नियामक की इस कवायद का मकसद गुणवत्ता मानकों पर खरा न उतरने वाले मसलन ऐसे दवा उत्पादों जो मानक गुणवत्ता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हों, नकली, मिलावटी या मिसब्रांडेड पाए गए हों। इसकी जानकारी देश के तमाम राज्यों के दवा नियामक प्राधिकरण को देते हुए तत्काल इसकी आपूर्ति व बिक्री पर प्रतिबंध लगाना है। हिमाचल का अभी जो दिसंबर का CDSU का ड्रग अलर्ट आया है उसमें 7 सैंपल फेल हुए हैं और जैसे ही ये रिपोर्ट आई थी हमारे कंट्रोलिंग अथॉरिटी की तरफ से रिकॉल के ऑर्डर्स डिफरेंट लाइसेंसिंग अथॉरिटी जिसके भी जुरिडिक्शन में आता था वो कंपनीज को दे दिए गए थे और वो तुरंत दे दिए जाते हैं जब इस तरह का अलर्ट आता है। और अभी देखने में यह आया है कि पिछले जो ट्रेंड रहा है उसमें हिमाचल में ये NSQ का रेट जो है वो उसकी स्तर में गिरावट आई है। तो और जैसे भी ऐसे ही हमारे पास जैसे ही अलर्ट आता है तुरंत हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हमारे पार्ट में रहता है हमारी ज्यूरिडिक्शन में वो ले लिया जाता है। इसके अलावा जिस स्टेट में जिस राज्य में इस तरह की सैंपल्स फेल होते हैं वहाँ पे लीगल कार्रवाई अलग से अमल में भी लाई जाती है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नालागढ़ से अजय रतन की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।